music. हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं मनीष, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स, इस तरह की लाइट कलर स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हैं, फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज हुआ उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देन उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद चलेंगे फोन का स्क्रीन में ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। दोस्तों, एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स, चलते फोन के स्क्रीन में ओपन करते काइनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। सो कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ऊपर क्रिएट न्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर सिंपली टैप कर लीजिएगा। टैप करने के बाद फ्रेंड्स, आप 4.5 वाला रेशियो सेलेक्ट कीजिएगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप कर दीजिएगा। देन यहाँ इमेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर सिंपली टैप कर लीजिएगा और फ्रेंड्स, ब्लैक वाला इमेज सेलेक्ट कीजिएगा। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, इसे लेकर आपको इसका लेंथ को बड़ा कर लेना है, जितना टाइम का आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम कर लीजिएगा। फिर इसके स्टार्टिंग में आइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कर लीजिएगा, मीडियम जाइएगा। सो मीडियम जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना है और फ्रेंड्स, डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे जो मैंने इमेज दिया था, तो वो वाला जो इमेज है इसे सबसे पहले ले लीजिएगा। लेने के बाद इसे आपको इस तरह से जूम करना है यहाँ पे, और जूम करने के बाद इसे सेटअप कर लेना है। आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह से, थोड़ा और इसे जूम करते हैं थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, इतना पे इसे रख लेते हैं। देन इसके लेंथ को भी लेकर लास्ट तक कर देंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके स्टार्टिंग में आइएगा, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कीजिए, मीडियम जाएगा। मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स, फिर से डाउनलोड में आपको चले जाना है। सो गाइस, डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे जो गर्ल वाला जो इमेज है उसे आपको ले लेना है, ये वाला जो इमेज देख सकते हैं इसे ले लेना है। देन क्रॉपिंग में जाना है, नीचे से हल्का सा क्रॉप कर देना है और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। देन ऊपर आप देख सकते हैं फ्लिप का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा और इसे फ्लिप कर दीजिएगा दूसरे साइड में। देन इसके लेंथ को स्क्रॉल करके सबसे पहले लास्ट तक कर लेते हैं, ये देखिए मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसे आप राइट क्लिक कर लीजिएगा, फिर से इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे जूम कीजिएगा इस तरह से और इसे एडजस्ट कीजिएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, इतना पे हम इसे रख सकते हैं इतना पे। देन नीचे स्क्रॉल कीजिए, ब्लेंडिंग में जाइएगा और फ्रेंड्स, इसे यहाँ पे स्क्रीन कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से आ गया। फिर इसके ऑफिसिटी को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा इस तरह से, अब इसे 50 तक रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब राइट क्लिक कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी आपको लेयर्स पर क्लिक करना है, मीडिया में क्लिक करना है। मीडिया में क्लिक करने के बाद फिर से डाउनलोड में चले जाना है। ऑफिस में यहाँ पे जो डॉट वर्टिकल आपको दिया था ब्लैक वाला, उसे आपको सिंपली ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद ट्रिमर के बगल में फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। देन यहाँ से बैक आइएगा, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ स्क्रीन कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से आगे। यहाँ से बैक आइएगा, ऊपर आकर यहाँ साउंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसे म्यूट कर दीजिएगा और राइट क्लिक कर लीजिएगा। अभी आपको यहाँ पे लाइटिकल्स ऐड करना है, तो लेयर्स पे क्लिक करते हैं, मीडिया में चलते हैं। मीडिया में चलने के बाद फ्रेंड्स, आपको डाउनलोड में जाना है और जो भी लाइटिकल्स स्टेटस आप लगाना चाहते हैं यहाँ पे सॉन्ग, उसे आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए मैं ये वाला को ले लेता हूँ। देन यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, ब्लेंडिंग में जाएंगे, ब्लेंडिंग में जाने के बाद सिंपली इसे स्क्रीन कर देना है, यहाँ से बैक आना है, हल्का सा आगे कर लीजिएगा ताकि आपको लाइटिकल्स यहाँ पे दिखे और इसे इस तरह से एडजस्ट करके आप जहाँ पे यहाँ नीचे भी आप लगा सकते हैं कोई लाइटिकल्स अगर आप यहाँ लगाना चाहे तो। तो चलिए, तब तक के लिए मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ, हल्का सा मैं रोटेट करता हूँ इसे इस तरह से और यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ, ठीक है। अब राइट क्लिक करते हैं, तो अभी आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप लाइटिकल्स अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, स्टेटस बनकर तैयार हो चुके, सिंपली इसे एक्सपर्ट करना है। एक्सपर्ट करने के ऊपर एक एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने बाद सेव वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट ऑप्शन जरूर बताइएगा और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।